हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको अपने साथ चाइना मेला लेकर जा रही हूँ। चाइना मेला जो है वो एक ओपन मार्केट स्टोर टाइप है जहाँ पर थोड़ी रीज़नेबल लोकल चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे जो है वो अपनी बेबी के आने से पहले जो है वो थोड़ी सेटिंग करनी थी, तो उसके लिए मुझे रीज़नेबल प्राइस के ऊपर जो है वो बास्केट्स चाहिए थी। कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है ईद के तक, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो सही दिन है कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊं। कल से लॉकडाउन है, फिर पता नहीं क्या हो। तो ये जो मैं चाइना मेला में आई हूँ जो कि जौहर टाउन में है, तो ये आप देख सकते हैं कि ओपन मार्केट होती है और इसमें तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है आपको, किचन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक और रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें दिखाऊँगी और एंड पर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। और आप इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करें और एंड पे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको फेवरेट चीज़ क्या लगी है। तो जी, चाइना मेला से मैं शॉपिंग करके वापस आ चुकी हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं
और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उस गर्मी में भी मैंने जल्दी जल्दी बस जो मुझे मुनासिब चीज़ें लगी तो वो मैंने बाई कर ली। टोटल बिल जो है वो मेरा 7,000 तक बना है और मैं आपको अब जो है वो डिटेल में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो जी सबसे पहले ये मैंने डायपर्स फेंकने के लिए जो है वो एक अच्छी सी ढक्कन वाली बास्केट ली है क्योंकि यू नो डायपर्स की स्मेल को रोकने के लिए यू नीड समथिंग जो कवर्ड रहे और स्मेल जो है वो पूरे रूम में वॉशरूम में जो है वो स्प्रेड ना हो। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कलर चूज़ किया है वो ब्राउन कलर चूज़ किया और मैंने इसी कलर में डिफरेंट साइजेस में बास्केट्स लिए हैं तो इसके अंदर जो है वो मैं अपने रूम को भी ऑर्गेनाइज करूँगी और अपने बेबी क्लॉजेट को और वॉशरूम को। तो मेरी फ्यूचर वीडियोस को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इन बास्केट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लुक आउट फॉर माई फ्यूचर वीडियोज़। यहाँ पर ये वुडन मैंने स्पून्स रखने के लिए होता है मगर मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको टूथब्रश ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करूँगी। फिर ये जो है वो ब्राउन कलर में मुझे इस तरह से स्ट्रेट ऑर्गेनाइजर्स में मिल गए तो ये भी मैंने पिक कर लिया। फिर यहाँ से जो है वो मुझे थोड़ी सी रस्सियाँ चाहिए थी। डू वॉच माई फ्यूचर वीडियोज़ यू नो कि मुझे रस्सियाँ क्यों चाहिए थी। फिर इसी तरह से मुझे ब्लू कलर में बहुत प्यारा सा बेबी ब्लू कलर था तो वो मैंने बाय कर लिया। फिर ये हुक्स होते हैं, एडहेसिव हुक्स होते हैं, टाइम विल टेल के ये कितने एडहेसिव थे तो ये मैंने ज़्यादा सारे उठा लिए तो लेट्स सी के विल दे विल बी एबल टू डू देयर जॉब और नॉट। और ये स्क्रबिंग ब्रश लिए हैं मैंने, एज यू कैन टेल इट्स 120 रुपीज़। तो ये बाथरूम फ्लोर्स को अच्छे से ब्रश करने के लिए अच्छा है। फिर मैंने कैन ओपनर लिया, देन आई टुक बॉट सम बोल्स और ये बहुत प्यारी ब्लू कलर की प्लेट्स थी। ये फिर मैंने बाय की फॉर द रूम। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने चाइना मेले से बाय की हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।